हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटी बॉक्स। एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लॉरेल पेरिस प्योर क्ले मास्क व्हिच एक्सफोलिएट्स एंड रिफाइंस पोर्स। ये मेरा सेकेंड लॉरेल फेस मास्क है। इससे पहले मैंने चारकोल वाइटनिंग फेस मास्क का डेमो एंड रिव्यू आप सबसे शेयर किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ओके, सो अब हम इसकी पैकेजिंग खोलते हैं। एंड इसकी पैकेजिंग काफ़ी कूल स्वीट सी है, एज यू कैन सी इन ग्रीन कलर। कुछ इस तरह का बॉटल आपको देखने को मिलेगा। ओके, एंड इट इज 48 ग्राम। चलो ओपन करते हैं। अगेन देर इज अ सील। सो पैकेजिंग इनकी काफ़ी सेफ एंड सिक्योर ही होती है। पहले वाले चारकोल फेस मास्क में भी काफ़ी बढ़िया पैकेजिंग थी, एकदम सिक्योरली एंड सेफली वो रहता है ताकि इसके अंदर का प्रोडक्ट खराब ना हो, बिकॉज मॉइस्चर से, ह्यूमिडिटी से आपका प्रोडक्ट खराब हो सकता है। सो अब हम इस बॉटल को साइड में रखते हैं एंड अब हम आते हैं इसके बॉक्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ प्योर क्ले मास्क व्हिच रिफाइंस पोर्स एंड एक्सफोलिएट योर स्किन। एंड इट्स मेड अप ऑफ 3 प्योर क्लेज प्लस रेड एलजी। ओके, रेड एलजी, टू बी वेरी फ्रैंक, इससे पहले मुझे नहीं पता था कि एलजी ही क्या है। रेड एलजी तो छोड़ो, एलजी क्या चीज़ है मुझे यही नहीं पता था। और मेरे जैसे बहुत सारे जनों को भी ये बात नहीं पता होगी, तो मैं आपको बता दूं, एलजी इज़ अ मिरेकल इंग्रेडिएंट व्हिच हैज़ इनक्रेडिबल बेनिफिट्स फॉर योर स्किन। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट, मॉइस्चराइज, सॉफ्टन एंड डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। प्लस रेड एलजी सिर्फ आपकी रिंकल्स, फाइन लाइन्स ही नहीं, स्किन कैंसर और स्किन डिजीज सच एज रोसेशिया जैसी स्किन प्रॉब्लम से फाइट करने भी हेल्प करता है। आपको एक फुल पैकेज मिलता है इस क्ले मास्क में, जिसमें आपको एक बढ़िया इंग्रेडिएंट मिल रहा है जिसे हम कहेंगे रेड एलजी, जिससे आपकी स्किन काफ़ी सीरियस स्किन डिजीज से फाइट करती है। प्लस आपकी स्किन को सॉफ्टन, हाइड्रेट, मॉइस्चराइज करने का भी काम करता है। सो ज़्यादा मैं बड़ाई इस प्रोडक्ट की नहीं करूँगी, बिकॉज पहले मैं इसका डेमो देने वाली हूँ आपको। कई बार यार ऐसा नहीं है कि जो इसमें लिखा हो वो ही सच हो। सो पहले अपन डेमो करके देखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे कि वाकई में हमारी स्किन में क्या चेंजेस आए हैं, और उसके बाद मैं इस पैकेजिंग की जो डिस्क्रिप्शन है वो कंपेयर करके बताऊँगी कि वाकई में ये प्रोडक्ट उतना रिजल्ट दे पाता है या नहीं। चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी प्रोडक्ट को लगाने से पहले डिस्क्रिप्शन में उसकी एक्सपायरी डेट प्लस सूटेबिलिटी फॉर स्किन ज़रूर चेक कर लें। जैसे कि मैं इसमें देख पा रही हूँ, इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड also have expiry date 119 to 122, so almost हम इसको 1 से 2 साल तक use कर सकते हैं। and one most important thing, अगर तब भी आपको doubt होता है कि maybe आपकी skin को ये suit करेगा या नहीं करेगा, आप अपने hands पे try कीजिए पहले, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो प्रोडक्ट आपको सूट करता है या नहीं। अगर वो सूटेबल होगा तो वो बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट, किसी भी तरह की इरिटेशन या इचिंग क्रिएट नहीं करेगा। एंड बाय चांस अगर वो ये क्रिएट करता है इस तरह की प्रॉब्लम्स, तो प्लीज़ आप उसे ना यूज़ करें। बट लॉरियल मोस्टली ऑल सूटेबल स्किन टाइप्स के लिए ही प्रोडक्ट्स बनाता है, सो 80% तो हाँ ये सिक्योर है फॉर ऑल स्किन टाइप्स। बाकी आप पहले ज़रूर पैच टेस्ट ले लें। चलो अब मैं इसको लगाने वाली हूँ अपने फेस पे। आपका आई एरिया एंड योर लिप्स एरिया, ये आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है।
आते हैं इसकी स्मेल पे. LG की स्मेल ही है बट एग्जैक्टली रेड LG कैसे स्मेल करता है, जड़ी बूटी या समथिंग में काफ़ी तेज़ तीखी तीखी स्मेल होती, समथिंग लाइक दैट. उससे सिमिलर इसकी स्मेल है एंड ओके स्मेल है, ज़्यादा बुरी नहीं है और ज़्यादा अच्छी भी नहीं है. ओके एंड अब आते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पे. डिस्क्रिप्शन पे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि पहले हम इसको डेमो करके खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि हमें क्या क्या महसूस होता है इसको लगाने के बाद. और अब हम इसके डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे कि एग्जैक्टली इसके डिस्क्रिप्शन में इन लोगों ने क्या डिस्क्राइब कर रखा है, किस तरह से ये फेस पैक काम करेगा. सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनने डिस्क्राइब कर रखे हैं, जैसे कि अनक्लॉग एंड टाइटन पोर्स. डेफिनेटली एक्सफोलिएशन करने की वजह से आपके रोम छिद्र, जो ब्लॉक्ड पोर्स होते हैं आपकी स्किन पे, गंदगी धूल पसीना से वो बंद हो जाते हैं और इट क्रिएट्स पिम्पल देन. तो एक्सफोलिएशन करने की वजह से वो पोर्स खुल जाते हैं एंड योर स्किन कैन ब्रीथ. जो आपके ओपन पोर्स प्रॉब्लम होती है, आपके टी जोन एरिया पे ओपन पोर्स प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो आप वहाँ पे विजिबली क्लियरली विजिबल कर पाएंगे कि या लाइक ज़्यादा तो नहीं बट या एक लिमिट, एक स्मॉल अमाउंट में आप ये चेंज नज़र देख पाएंगे कि थोड़े बहुत आपके ओपन पोर्स मिनिमाइज हो चुके हैं साइज में. क्लियरली तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि बिल्कुल ही एकदम ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज आपको कम से कम इसे 1 से 2 हफ्ते लगाना पड़ेगा तभी आप क्लियरली डिस्क्राइब कर पाएंगे कि वाकई में ये किस एक्सटेंट तक आपके पोर्स को मिनिमाइज कर पाता है. अब आते हैं एक्सफोलिएट डेड स्किन सेल्स एंड स्मूथ इन परफेक्शन. 100 after 100 बिकॉज एक्सफोलिएशन से मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, क्लीन एंड क्लियर, प्लस ग्लोइंग भी लग रही है. रिफ्रेश एंड अलाउ स्किन टू ब्रीथ. डेफिनेटली मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा पहले से मुझे रिफ्रेश, क्लीन, स्मूथ, मॉइस्चराइज लग रही है, बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रही है. इतने लोगों ने एक और चीज़ मेंशन की, हाउ टू यूज़. यू शुड यूज़ दिस पैक थ्राइज इन अ वीक, मीन्स एक हफ्ते में इसे 3 बार यूज़ कीजिए. आई एम सॉरी बट टू बी वेरी फ्रैंक, आप इसे 1 हफ्ते में 3 बार यूज़ करेंगे तो शायद हार्डली ये 15 दिन भी ना चल पाए, बिकॉज इसका मुझे इस पैक में मुझे सबसे ज़्यादा अजीब जो लगा, लाइक इससे पहले लॉरल का जो मैंने चारकोल फेस पैक ट्राई किया था वो हल्का सा लगाने में बहुत ज़्यादा हो जाता था, बट ये थोड़ा सा लगाने में कुछ भी नहीं दिखता है. आपको कम से कम 2 से 3 लेयर लगानी पड़ती तब जाके आप क्लियरली आपका फेस उस मास्क से कवर अप कर पाएंगे. सो हाँ, ये थोड़ी सी मुझे इसमें प्रॉब्लम लगी, बाकी तो इट्स ओवरऑल गुड. मोर थिंग अगेन, इसकी बॉटल ग्लास की है तो आपको आपके प्यारे प्यारे बच्चों से इसको दूर रखना है, शैतान बच्चों से दूर रखना है, क्योंकि और ख़ुद को भी आपको संभाल के यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एक बार नीचे गिर गया तो ये किसी काम का नहीं रहेगा. बस इसमें यही चीज़ें कुछ अजीब लगी. ओवरऑल अकॉर्डिंग टू मी, आउट ऑफ 10 आई विल गिव इट 8. मैं इसे 8 नंबर दूंगी आउट ऑफ 10 बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन प्रॉब्लम, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा एंड सेकेंड वो ग्लास की बॉटल है, गिरने से नुकसान पक्का है. थर्ड मैं सच कहूँ तो मुझे ओपन पोर्स प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इतना एग्जैक्टली इसको जज नहीं कर पाई इस पैक को लगाने के बाद. बाकी जो इसका मेन इसका काम है वो यही है, एक्सफोलिएशन एंड रिफाइन योर पोर्स, जो एक हद तक इसने कर दिखाया है. अब आ जाते हैं हम सीधे इसकी रेट पे कि ये कितने का है और मैंने कहाँ से इसको बाय किया. फर्स्टली मैं बता दूँ इसकी प्रिंटेड रेट है 750 रुपीज़. इसकी जो प्रिंटेड रेट है, मैंने इसको उस रेट में बाय नहीं किया है, लकीली मैंने इसे बाय किया है फ्रॉम अमेज़ॉन ऐप, जो कि मुझे पड़ा ये ओनली फॉर 552 रुपीज़, लाइक मुझे 198 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया.
सो आप अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, गो चेक इट आउट देयर एंड जल्दी से बाय कर लो यार. एंड लगाने के बाद अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन एंड आई लव टू हियर ऑल योर रिस्पॉन्स. आज के लिए बस इतना ही. आई होप यू एंजॉय टुडेज व्लॉग एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल तो आपको पता ही आपको क्या करना है. आपको करना है सब्सक्राइब मेरे चैनल को माई प्योरी बॉक्स एंड डोंट फर्गेट टू लाइक माई वीडियो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो. एंड अगर नहीं भी आया हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं बट प्लीज लेट मी नो वाई यू आर डिसलाइकिंग माई वीडियो सो मैं उस पर कुछ काम कर सकूँ. सो नेक्स्ट टाइम फिर से आऊँगी एक अमेजिंग वीडियो के साथ. जब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्यूटी बॉक्स.